हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब फ्रेंड आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी ठंडी का सीज़न शुरू हो गया फ्रेंड, और बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ रहा है। तो ठंडियों में मैं इसलिए आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आ रही हूँ, जो कि ठंडी में बनेगा और आपको बहुत फ़ायदा भी करेगा। तो ये है मक्के आटे के पकौड़े। तो मक्का आटा ठंडी में गर्म करता है फ्रेंड, तो ज़रूर इसे खाना चाहिए ठंडियों में। और ठंडी के सीज़न में ही बहुत मिलता है मक्के का जो आटा है। तो इसका पकौड़े बनाइए, हल्की फुल्की भूख है या कुछ चटपटा खाने का मन है तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। तो ये देखिए, ये मक्के का आटा, तो मैं मक्के का आटा पैकेट वाला खरीदी थी फ्रेंड। चाहो तो आप मक्का लेके पिसवा भी सकते हो। और ये एक बाउल में मक्के का आटा ले लूँगी, तो करीब 2 कप मैं यहाँ मक्के का आटा ले रही हूँ। और प्याज मिर्ची और धनिया को बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। आप चाहो तो उसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं चॉपिंग में, और नहीं है तो मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाली हूँ कड़ी पत्ता, अगर है तो आप डाल दीजिए। थोड़ा सा मेथी पत्ता डाल दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है सभी चीज़ इसमें हम जब हम डाल देते हैं तो। और इसे बारीक बारीक चॉप करके इसी आटा में हम इसे मिला देते हैं, मक्के के जो आटा है। मक्के का आटा जो है बहुत टेस्टी लगता है, इसका स्वाद बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड्स। चाहे आप इसे कोई भी डिश में यूज़ कर लीजिए, चाहे मक्के की रोटी बना लीजिए, चाहे इसका इस टाइप से पकौड़े या फिर बड़ा बना लीजिए, जो भी डिश बनाइए बहुत टेस्टी बनता है। मक्का आटा अपने आप में बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है, तो उसका हर डिश टेस्टी तो बनता ही है। तो इसे मैं शाम के हल्का फुल्का जो नाश्ता वगैरह बनाती हूँ फ्रेंड, उसके लिए मैं ये पकौड़े तैयार कर रही हूँ। ऐसे ही आप कोई मेहमान आ गए तो भी आप तुरंत फटाफट, आप कोई मक्के का आटा अगर आपके घर में अवेलेबल है तो फटाफट आप ऐसे ही पकौड़े बना सकते हो, क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है इसका जो पकौड़े हैं। तो एक बार ज़रूर आप अपने घर में मेहमानों को खिलाइए, बेसन के पकौड़े भूल जाएंगे जब एक बार जब मक्के आटे का पकौड़े जब वो खाएंगे तो। ये थोड़ा सा मेथी पत्ता भी मैं इसी में कट करके डाल रही हूँ, क्योंकि अभी ठंडी के सीज़न मेथी पत्ता भी बहुत अच्छा ईजिली अवेलेबल होता है मार्केट में। तो मैं इसे कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा हर डिश में डालूँ, जिससे इसका फ्लेवर तो मिलता ही है, साथ में इसका बेनिफिट जो होता है वो भी मिल जाता है। मिर्ची भी मेरा ठीक से कटा नहीं था फ्रेंड, एक मिर्ची जो है तो उसे भी थोड़ा सा बारीक कट करके इसी में डाल देती हूँ। और इसमें डाल दीजिए नमक, इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हींग, और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें मिर्ची पाउडर, बस इतना ही डालेंगे और बाकी हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद इसे हम एक घोल बना लेंगे, मतलब पकौड़े के लिए पानी डाल के धीरे धीरे इसका हम बैटर तैयार करेंगे। पानी को धीरे धीरे डालिए फ्रेंड, ज़्यादा नहीं डालना है एक ही साथ, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा गिल्ला हो जाता है। क्योंकि इसका जो पकौड़े का जो बैटर रहता है वो जो बेसन का जो पकौड़े है उससे थोड़ा सा गाढ़ा रहता है, इसमें ज़्यादा एकदम वो नहीं करते पतला, क्योंकि पतला अगर हम करेंगे तो ये जो हम कढ़ाई में जब डालते हैं तलने के टाइम तो एकदम ज़्यादा फैल जाता है, ठीक से नहीं बनता फ्रेंड। तो थोड़ा सा इस बात का बस आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा गीला रहेगा ये, ज़्यादा पतला नहीं करना। तो धीरे धीरे पानी आप डालते जाइए कि हल्का सा हम इसे पकौड़े बना सके, उस टाइप से ही हमें इसे देखना है। और जो मेरे फ्रेंड जो पहली बार मेरे चैनल में आए होंगे तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी फ्रेंड सपोर्ट करते रहिए, तभी मुझे बहुत खुशी होती है और मैं चाहती हूँ कि मैं और अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ। तो प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट बनाए रखिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए मेरे जो वीडियोज़ हैं उसे। और मैं अपने वीडियो के नीचे अपना और भी जो लाइक में मेरा जो आईडी है फ्रेंड्स, उसका भी मैं लिंक दे दी हूँ, और जो इंस्टा है उसका भी आईडी दे दी हूँ। तो प्लीज़ अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक में भी लाइक पेज है फ्रेंड्स, उसका भी आईडी मेरे नीचे में रहता है वीडियो के नीचे, तो अगर आप वहाँ भी फॉलो करना चाहते हैं तो भी आप फॉलो कर सकते हैं। धीरे धीरे पानी को डालते जाना है फ्रेंड, एक साथ नहीं डालना है, बस धीरे धीरे इसी थोड़ा हल्का सा, मतलब हल्का सा बैटर को थोड़ा सा जैसे हम पकौड़े तलते बनते हैं उस टाइप से हमें बस इसे उस टाइप से कंसिस्टेंसी का रखना है। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा, मतलब ये दाल का पीठी टाइप से है जिसमें हम बड़ा बना सकते हैं, पर हमें अभी पकौड़े बनाना है तो इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड और करेंगे, क्योंकि दाल का बड़ा जो बनाते हैं तो बड़ा बन जाएगा, उसका भी वीडियो मैं डाली हुई हूँ। तो मुझे बनाना है अभी यहाँ पर पकौड़े, तो पकौड़े बनाना है इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे इसमें। तो
इसके लिए थोड़ा थोड़ा पानी इसमें और डालते हैं, जिससे कि थोड़ा सा हल्का सा गीला ये और हो जाए और हमें पकौड़े बनाने में इजी पड़े। तो बस ये ध्यान रखना है, अगर आपको बड़ा बनाना है तो थोड़ा सा कम पानी डालिए, और अगर पकौड़े बनाना है तो थोड़ा सा और ज़्यादा, थोड़ा सा हल्का सा इसको और गीला कीजिए। ये देखिए पकौड़े बनाने के लिए इस टाइप से चाहिए। अब हम गरम गरम तेल में इसे तल देते हैं। पकोड़े जैसे बनाते हैं वैसे ही पकोड़े, जिससे जितना छोटा बड़ा आपको चाहिए वैसे शेप में आप डालिए और गर्मा गर्म इसे तल के निकाल लीजिए। और कोई भी चटनी या सॉस किसी के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बनता है ये जो पकोड़े हैं। अगर आपको ज़्यादा सेकना है तो ज़्यादा सेकिए और कम सेकना है तो कम। मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्प सेकती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा क्रिस्पी अच्छा लगता है, तो मैं इसे थोड़ा ज़्यादा गोल्डन ब्राउन सेकती हूँ फ्रेंड। तो आप इसे चाहे तो आप कम सेक सकते हैं, और अगर आपको भी अच्छा गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी ज़्यादा अच्छा लगता है तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा क्रिस्प सेकिए। इसे आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, आप भी अगर कहीं जा रहे हैं तो टिफ़िन में ले जा सकते हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ठंडियों में चटपटा नाश्ता बना के ले जाने के लिए, और बहुत झटपट भी बनता है फ्रेंड्स। इसमें कोई ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगता है, बस तुरंत सबको मिलाकर बस हमको इसे तलना रहता है। तो कैसा लगा मेरी रेसिपी ज़रूर बताइए, और अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड, और आगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि वो भी नई नई रेसिपी इसी टाइप से बना सके और विंटर का मज़ा ले सके। तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो जब भी गोल्डन ब्राउन जब हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसे हम निकाल लेते हैं और इसे फिर गर्मा गर्म सर्व करते हैं किसी भी चटनी के साथ, या फिर आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि ऐसे ही बहुत कुरकुरा टेस्टी क्रिस्पी होता है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, कैसा लगा ज़रूर बताइए। अब मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।